वो सेइंग थी ना पुरानी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड ब्राइट. अब वो आपको ब्राइटनेस देता है क्योंकि सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके चेहरे पर एक वो आती है. एंड मुझे टीम करिए एंड मुद्दे पे आ जाएं. जी बिल्कुल, मुद्दा आ गया है. हम एंटी एजिंग फेशियल बना रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स शादी जब होती है तो थोड़ा सा आपकी स्किन हो सकता है सैग करी, स्पेशली 30 के ऊपर. अच्छा, ये जो है फेशियल ये मेल फीमेल्स दोनों के लिए, क्योंकि हम सिर्फ दुल्हन की बात करें, दुल्हा को भी तो बेचारे को अच्छा लगना है. एक एक्ने फेशियल हो गया, एक हो गया छाइयों का फेशियल, एक हो गया वाइटनिंग फेशियल. एंड आप बता रहे हैं एंटी एजिंग होती है, स्किन को लिफ्ट करेगा, बहुत ही आसान है. क्योंकि हम शादी की बात करें इसका नाम है शादी फेशियल, कितना आसान है. एस एच से है शहद, ठीक है. मुझे लगता है बहुत बच्चों के नाम रखते हैं, आदत है. तो ये शादी फेशियल है. एस एच से शहद एक चम्मच, ए से एलोवेरा जेल ये भी एक चम्मच है, और डी आई से दही एक चम्मच. तीनों चीजें कितनी आसान है ना, और आपको मिल जाएगा, आपको शादी फेशियल याद भी रहेगा, ठीक है ना. शहद आपने दिया एक चम्मच, ठीक है. अच्छा, इसका ये हर घर में होता है, बहुत आराम से मिल जाता है. एलोवेरा का तो मैं हमेशा कहता हूँ पड़ोस से भी ले सकते हैं, ठीक है ना. अच्छा, और फिर दही आपने एक चम्मच लिया, ठीक है. अच्छा, शादी फेशियल बन गया. लेकिन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे डॉक्टर बताऊंगा, पैच टेस्टिंग जरूर करें गर्दन के पास. बिल्कुल आप सही कह रही हैं, एलोवेरा हालांकि किसी को भी रिएक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमें इसका यहाँ पे पैच टेस्टिंग करें और फिर 10 से 15 मिनट वेट करें. अगर एलोवेरा इसमें मिलाया आपने, मैंने शहद मिलाया, एलोवेरा जेल मिलाया और दही, तीनों चीजें कितनी आसान, बस तीन चीजें, ठीक है. इसको आपने पहले पैच टेस्टिंग की, 10-15 मिनट बाद आपने देखा लाली खारिज जलन नहीं हो रही तो फिर आपने उसको फेस पे लगाया. अच्छा, सिर्फ रात में लगाना है और इसको पूरे फेस पे लगाना है, गर्दन पे, हाथों पे लगा सकते हैं. ओवरनाइट लगाएं यानी कि रात भर लगाएं, आप कम से कम एक घंटा लगाएं और प्लेन वाटर से वॉश करते हैं. आप कोई फेस वॉश यूज नहीं करते, रात का क्यों रेकमेंडेशन? रात में इसलिए जी, बिकॉज ये सब चीजें जो है ना सनलाइट से रिएक्ट करती हैं. अच्छा, फर्ज करें जैसे हमें दावत में जाना है, अब वो घर में तैयारी हो रही होती है ना, सारे कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, वो आप घर में लगा सकती हैं, बिल्कुल आप लगा सकती हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल टाइट हो जाएगी. लेकिन उसके बाद आपको चूल्हे के आगे नहीं जाना है, ये बस ख्याल रखिएगा कि चूल्हे के आगे ना जाए. रात में तो वैसे भी सन नहीं होता है, बस चूल्हे के आगे ना जाए तो बहुत अच्छा. स्किन आपकी बहुत टाइटन हुई हुई होती है ना, उसके बाद आप बेस लगाते हैं तो वो नादिया हुसैन वाली ग्लो आती है आपके फेस पे. बिल्कुल, तो ये मैं मिसालें इसलिए दे रही हूँ ताकि आप जरा, इसमें पोर टाइटनिंग भी इफेक्ट है, थोड़ा सा अपलिफ्टिंग भी करेगा. और वैसे वाली बात है कि आजकल मैं देखता हूँ क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल इतना हो गया है जी, तो यंग बच्चों में भी थोड़ी सी स्किन सैग कर रही है, क्योंकि लेट के बस यूं यूं करके मोबाइल देख रहे होते हैं तो गर्दन का भी प्रॉब्लम हो रहा होता है. तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत आने शहद, ए से एलोवेरा और डी आई से दही, तो तीन चीजें एक चम्मच लेके आप लगा. Hi guys, it's me, Mribat. And this is me, Ramsha Khan. And you are at the Airman Digital's YouTube channel. Yeah. Do subscribe it for more videos.